गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फिफ्थ। अब आज अपने क्या करते हैं, टुडे वी विल स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास 12, प्लांट वाटर रिलेशन। आज अपने क्लास 12 का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट वाटर रिलेशन। कल के लेक्चर में हमने फोर्थ चैप्टर कम्प्लीट कर दिया था, आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट वाटर रिलेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको इस चैप्टर के अंदर रिलेट करेंगे। क्या क्या उसके अपने कॉजेज होते हैं, अगर पानी प्लांट को ना मिल पाए उससे क्या होगा, और पानी मिलता है तो उस टाइम पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिससे प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो ये रिलेशन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे प्लांट जो है वो वाटर पे डिपेंड करता है, वो सारे इसमें से लिखेंगे। सो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन, फिर डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन एंड परमेबिलिटी। इन सब को पढ़ने से पहले अपने कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो अपने इस चैप्टर के बारे में ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन इंडियन पुराण्स, जिसको अपने माइथोलॉजी बोलते हैं, यानी पुराण्स वगैरह के अंदर स्टार्टिंग के अंदर क्या बताया था कि पांच जो है फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं। पता है ना अपने को, पांच जो होते हैं तत्व होते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आग, पानी, जिसमें से जो है आग, पानी और ऐसे कई हवा। और ठीक है, तो ये सब क्या थे, पांच कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिसमें से पानी जो था, धरती और आकाश। ठीक है, जिसमें से पानी जो था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना जाता था, या बोलते कि उन पांच तत्वों के अंदर जो पानी है वो इंक्लूड था। ठीक है, तो अपने को पता है कि इम्पोर्टेंट तत्वों के अंदर यानी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के अंदर जो पानी आ रहा है, तो मतलब कि लगभग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपने आसपास भी देखते हैं तब भी अपने को पता है जो लिविंग है वो पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे देखो, वाटर इज अ यूनिक कंपाउंड, इट हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक लाइक पोलर नेचर, हाइड्रोजन बॉन्ड, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हाई कोहेसिव एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव एडहेसिव फोर्स कौन से होते हैं, आपस में जो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यानी पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2 होता है वाटर, तो इसके अंदर कौन से फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, कोहेसिव एडहेसिव टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये सब भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। डेंसिटी और वाटर की जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7। पीएच क्या होती है वाटर की, 7, यानी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, मतलब कि 7 पीएच। पीएच के बारे में तो आपको पता है, सबको केमिस्ट्री की बुक में है डिटेल में, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। पीएच के अंदर क्या है, जो 7 पे आता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से प्लस होते ही बेसिक सॉल्यूशन और 7 से कम होते ही एसिडिक सॉल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, सो वाटर क्या न्यूट्रल है। हाईएस्ट डेंसिटी जो वाटर की होती है वो कितनी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। हाईएस्ट डेंसिटी किस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, वाटर जो है वो थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पानी की जो है तीन अवस्थाएं होती है, वाटर जो है थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब आपको पता है कैसे, सॉलिड आइस की फॉर्म में, लिक्विड जो अपने पानी पीते हैं उस फॉर्म में, एंड गैसेज जो इसके वेपर वगैरह जो इवेपोरेशन वगैरह होते हैं उस टाइम पे, उन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपने एक एक करके जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में पढ़ेंगे, या जो इसमें फिनोमिनास चलेंगे, डिफ्यूजन, फैक्टर इफेक्टिंग डिफ्यूजन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन एंड परमेबिलिटी, कुछ फैक्टर्स और हैं वो भी आगे लेकर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट है, उनको समझ नहीं सकते हैं डिफ्यूजन होता क्या है। देखो, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझो इसको, वेल अमोनिया, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। वेल अमोनिया इज कैप्ट इन ओपन बॉटल, जब अमोनिया को एक ओपन बॉटल के अंदर रखा जाता है, इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द रूम। अब अमोनिया क्या होता है, पूरे रूम के अंदर फैल जाता है। वैसे ही देखो, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं यानी कि CuSO4 के क्रिस्टल्स जब अपने पानी के अंदर डालते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, डिफ्यूज होना स्टार्ट होता है। मतलब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ब्लू कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, ब्लू कलर के, और वाटर का अपने को पता है कोई कलर नहीं होता। तो क्या होता है, जब इन दोनों आपको मिक्स किया जाता है, इसको इसके अंदर डाला जाता है, तो धीरे 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 जो पानी का रंग है कैसा लगता है, ब्लू। कैसा लगता है, ब्लू क्यों हुआ, बिकॉज
नेचुरल सी बात है, अगर वो मिक्स हो रहे हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो प्रेजेंट है ही, ठीक है। फॉर दिस थ्योरी मूव फ्रॉम रीजन हायर कंसंट्रेशन टू रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसीलिए जब हायर कंसंट्रेशन से कोई भी सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसको अपने डिफ्यूजन बोलते हैं। आप समझो इस चीज़ को, देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेटी क्रिस्टल्स में ब्लू कलर ज़्यादा, मतलब कि कॉपर सल्फेटी क्रिस्टल्स थे उनको उन्होंने पानी में डाला। पानी में भी क्या था, पहले से कोई अपने कलर नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब इसको धीरे धीरे इसमें मिक्स होने लगा, डिफ्यूज होने लगा, तो यहाँ से क्या हुआ, इसका ब्लू कलर जो था धीरे धीरे वाटर के अंदर डिजोल्व होने लगा। क्यों? क्योंकि जो कॉपर सल्फेटी क्रिस्टल थे जो पहले पानी में नहीं थे, बट जब डाले तो धीरे धीरे डिजोल्व होने लगे, तो उसका कलर जो है हायर कंसनट्रेशन से वो जो है लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाने लगे, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन इज प्रेजेंट इक्वली इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। जो डिफ्यूजन की टेंडेंसी है, यानी कि मिक्स होने की जो टेंडेंसी है, वो सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों में एक जैसे रहते हैं, ठीक है। बट द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मतलब कि अब जो डिफ्यूजन का रेशियो है, रेशियो ऑफ डिफ्यूजन इज नॉट सेम इन द ऑल द थ्री स्टेट्स, ठीक है। आगे देखो, द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सिस्टम आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब कि अगर किसी सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व होना है तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है नेचर के अंदर, कैसे भी डिजोल्व हो सकते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन शुगर कैप्ट इन कॉन्टेक्ट विद प्योर वाटर। देखो अगर अपने शुगर की कंसंट्रेशन को पानी के साथ मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं अपने शुगर की कंसंट्रेशन है, शुगर को क्या करते हैं अपने पानी के साथ मिक्स करते हैं, तब क्या होगा, शुगर के मॉलिक्यूल भी पानी के साथ धीरे धीरे मिक्स हो जाएंगे, यानी जो उसका स्वीट टेस्ट है वो किसमें डिजोल्व हो जाएगा, वाटर में। तो शुगर का जो सॉल्यूशन था वो हायर कंसंट्रेशन में किसमें आ गया, धीरे धीरे डिजोल्व होने की वजह से उसके साथ मिक्स होने लग गया, ठीक है। आगे देखो, हैंस द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन इट्स ओन पार्टिकल एंड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर। देखो अब ये डिपेंड करता है कि अब देखो इस चीज़ को समझो, शुगर के मॉलिक्यूल्स थे यहाँ आए थे, यहाँ क्या थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे वाटर ही प्रेजेंट है तो शुगर के मॉलिक्यूल तभी डिसॉल्व होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अगर कोई अदर सब्सटेंस होता या अदर लिक्विड होता उसके अंदर भी शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्यूज जरूर होते। क्यों? क्योंकि शुगर की कंसनट्रेशन यहाँ हाई है, और अगर अदर लिक्विड लेते उसके अंदर शुगर की कंसनट्रेशन लो थी, ठीक है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, जब किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में या अदर पार्टिकल्स की कंसनट्रेशन हाई रहती है तो वो अदर के अंदर अपने आप डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता उस टाइम पे सब्सटेंस कौन सा यूज हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो समझ आ गया, इट इज इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। इसको कौन से टाइप का डिफ्यूजन कहा जाता है, इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ डिफ्यूजन, जो कि किसी भी पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। आगे देखो, अभी तो था डिफ्यूजन के बारे में, क्लियर हो गया सबको डिफ्यूजन क्या होता है, कई एग्जांपल्स देख के अपने उनके बेसिस पे अपने को क्लियर हो गया। अब आगे फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट अफेक्टिंग डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो टेम्परेचर तापमान। अब टेम्परेचर के बारे में अपने को पता है, टेम्परेचर क्या होता है, अब अपने आसपास एटमोसफेयर में टेम्परेचर है। अब आप एग्जाम्पल लेके चलो, अगर आप वाटर के अंदर चीनी को डिजोल्व करते शुगर को, शुगर के क्रिस्टल्स को, तो अगर आप ठंडे पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, उसको टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट की कैपेसिटी होती है, मूवमेंट की टेंडेंसी होती है, वो उस टाइम पे स्लो होती है। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे कम होती है। अब तो देखो यही शुगर सॉल्यूशन को अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो टेम्परेचर में, यानी कि उनका कोई ना कोई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है या गर्म पानी बोलते हो, उसके अंदर डिजोल्व करते हो तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मूवमेंट टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, पानी के या किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो है मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से
क्लियर हो गया। आगे देखो नेक्स्ट फैक्टर लेके चलते हैं अपने डेंसिटी। नेक्स्ट अपना क्या फैक्टर पढ़ेंगे अपने? डेंसिटी। सेकंड पॉइंट इसके अंदर देखो क्या होता है। डेंसिटी को बेसिकली क्या बोलते हैं? घनत्व। यानी कि जो पार्टिकल या सब्सटेंस जो है उसकी कितनी डेंसिटी है, कितने एरिया के अंदर वो है। अब देखो क्या होता है, डेंसिटी जो होती है डिफ्यूजन के अंदर कम होती है। क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस में कम होती है। क्यों? क्योंकि जितना एरिया एक्चुअल में उसके पास था वो किसी सोल्यूशन में जाने की वजह से वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल जो उसके डिजोल्व होने लगे तो उसका एरिया क्या होगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने पार्टिकल उसके साथ बाइंड थे एक इकट्ठी स्टेट में थे, तो जब उसमें डिफ्यूजन होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे वो पार्टिकल उससे दूर होते जाएंगे। तो डेंसिटी के अंदर क्या होगा? वो डिफ्यूजन में लो होती जाएगी। तो ये चीज़ समझो, जो डेंसिटी है रेट ऑफ डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। किसके? स्क्वेयर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। थर्ड पॉइंट है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। थर्ड अपना फैक्टर कौन सा है? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट इसके अंदर समझो क्या होता है। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के अंदर मॉलिक्यूल ऑलवेज मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। अब देखो अगर आपने सब्सटेंस लिया है स्पीकर के अंदर, मान लो ठीक है यहाँ पे ये अपर अपर साइड में कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है यहाँ पे क्या है कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, या आप लोगों की कुछ भी नॉर्मल एक अपने एरिया में कुछ कपड़ा या कुछ ऐसा चीज रखा होगा, ठीक है इसके ऊपर हमने क्या किया कुछ लिक्विड सब्सटेंस रख दिए जो कि इसमें से धीरे 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 पास हो रहा है इस नीचे वाले एरिया में, ठीक है। अब देखो इसमें प्रेशर को उन्होंने मेजर करना है, प्रेशर कैसे काम करता है। इसके ऊपर आपने कुछ पिस्टन वगैरह रख दिया या कुछ ऐसी चीज रख दी जिसको प्रेस कर दिया, ठीक है प्रेस कर दिए तो ये क्या होगा अपना प्रेशर प्रोवाइड करा दी नीचे की तरफ। प्रेशर जाने की वजह से क्या होगा? धीरे धीरे जो सब्सटेंस था वो बिल्कुल स्लो मोशन में आ रहा था, इसने क्या कर दिया अपनी रेट बढ़ा दी। ऑब्वियसली बात है कि किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा? अपनी रेट बढ़ा देगा। तो इससे पता चलता है डिफ्यूजन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है यानी हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ हेल्प करवाता है मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो अपना डिफ्यूजन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है डिफ्यूजन की उसके बारे में डिफ्यूजन पता चल गया क्या होता है, फैक्टर्स भी पता चल गए, तीन फैक्टर क्या क्या फैक्टर आते हैं। अब हमने पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहला पॉइंट देखो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज, मतलब अब अपने को पता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है ना एज कंपेयर टू एटमोसफेयर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं एटमोसफेयर के अंदर यानी यहाँ से हाई कंसेंट्रेशन है यहाँ पे प्लांट्स में और बाहर क्या लो कंसेंट्रेशन, तो ये क्या करते हैं हाई कंसेंट्रेशन की तरफ लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। यानी प्लांट्स जो है वो यहाँ पे अंदर बलून के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है एटमोसफेयर में कम है तो क्या करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही CO2 की बात है, अब CO2 जो है एटमोसफेयर में ज्यादा है, एटमोसफेयर में CO2 ज्यादा है और अंदर प्लांट में कम है, तो ये क्या करते हैं हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो बाहर से जो है एटमोसफेयर से यहाँ अंदर CO2 आना स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखो रिलीज ऑफ वाटर वेपर इन एनवायरनमेंट। अब वाटर वेपर का डायरेक्ट समझो इसको, वाटर वेपर जो होती है धीरे धीरे पानी गर्म होता है, ठीक है जिसकी वजह से क्या बनती है पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर एटमोसफेयर में चला जाता है डिफ्यूजन की वजह से। क्यों? जहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन यानी वेपर जो है बन रही है बाहर कम है तो हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चला जाएगा। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट्स, थर्ड पॉइंट है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट्स। इसको समझो क्या होता है, पैसिव का मतलब क्या होता है, एक होती है टर्म पैसिव एक होती है एक्टिव। एक्टिव क्या नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ इसमें एक्टिव मतलब कि कुछ ना कुछ एनर्जी की यूजेज जरूर होगी। पैसिव के अंदर क्या होता है जहाँ पे यूजेज ऑफ एनर्जी बिल्कुल लो या हो ही ना, यूजेज ऑफ एनर्जी इज लो या ना, ठीक है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट, अब आप एज्यूम करो प्लांट है
ठीक है, प्लांट का कोई पार्ट है, जैसे ये लीफ वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से ये स्टेम है, यहाँ पे लीफ वाला पार्ट। अभी देखो इसमें अज्यूम करो खाना कहाँ बनता है, फूड, प्लांट का फूड कहाँ बनता है, लीव से बनता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीव से जो फूड बनता है, और ये क्या है इसका स्टेम, यहाँ पे फूड क्या है नहीं है प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि फूड बनाने का काम क्या करती है लीव्स। तो ये क्या करती है, यहाँ पे फूड बना रही है, तो फूड की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, यानी कि फूड प्रेजेंट यहाँ है, तो फिर ये क्या करेगी, यहाँ से जो फूड है पूरे प्लांट पार्ट्स में भेजने का काम करेगी, जो पैसिव डिफ्यूजन, यानी इसमें कोई ना कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, समझ गए। तो ये क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स होता है, जैसे फूड का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही कोई मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी पैसिवली हो जाता है, समझ आ गया। तो ये तीनों तीनों क्या थी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो परमियबिलिटी, परमियबिलिटी का मतलब क्या होता है, एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल इन सेल, किसी चीज की एंट्री या किसी चीज को बाहर निकालना सेल में से, ठीक है। एंट्री और एग्जिट ऑफ द मटेरियल इन सेल डिपेंड अपॉन द परमियबिलिटी ऑफ सेल मेंब्रेन। परमियबिलिटी किसका, बेसिकली परमियबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को छान कर निकालना, ठीक है। एंट्री कैसे हो रही है, अगर वो पॉसिबल है या नहीं है उस मेम्ब्रेन के थ्रू। अब जैसे आप चाय छननी, उसका एग्जांपल लेके चलो, अब क्या होता है, अगर अपने को चाय जो है वो फिल्टर करनी होती है तो क्या करते हैं, उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी के अंदर रह जाते हैं और चाय जो है नीचे चली जाती है। तो बेसिकली वो क्या है, उसकी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या है परमिएबल मेम्ब्रेन, उसमें से सिर्फ लिक्विड पार्ट ही आगे जा सकता है, सॉलिड पार्ट नहीं जा सकता। बेसिकली परमियबिलिटी भी यही होती है, ठीक है। अब समझो इस टर्म को, द मेम्ब्रेन विच अलाउज द पासेज ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज कॉल्ड परमिएबल। अब देखो परमिएबल ये तो डिपेंड करता है मेम्ब्रेन के भी, किसने उसको पार्टिकल, कौन से पार्टिकल जाने चाहिए कौन से नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर उसमें से सॉलिड भी जा रहे हैं तो लिक्विड भी जा रहे हैं, दोनों टाइप के पार्टिकल जा रहे हैं, तो मतलब कि ये उसकी जो परमिएबिलिटी है वो दोनों टाइप के पार्टिकल्स के लिए दोनों टाइप के पार्टिकल जा सकते हैं, ठीक है, दे आर परमिएबल इन नेचर। आगे देखो, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द लिविंग इज मोर परमिएबल टू सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स, इज लेस परमिएबल टू वाटर सब्सटेंस। मतलब कि अगर आप किसी मेम्ब्रेन की एग्जांपल हो, ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन, जैसे सेल वॉल, कौन सी सेल वॉल, अब ये सेल वॉल क्या काम करती है, इसमें से लिक्विड के पार्टिकल्स जाने होंगे, लिक्विड तो ईजिली चले जाएंगे बजाय सॉलिड पार्टिकल्स के, सॉलिड पार्टिकल उतनी जल्दी इसमें से नहीं जा पाएंगे। तो सेल वॉल इज परमिएबल फॉर लिक्विड नॉट फॉर अ सॉलिड मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट समझो, इसमें एक पॉइंट और देखो, अब सच मेम्ब्रेन आर कॉल्ड डिफरेंटली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जिसमें से सेलेक्टिव पार्टिकल्स को जो जाने के लिए एंट्री अलाउ करते हैं उसको अपने क्या बोल देते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो सब पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं वो सीधा सिंपल परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली नाम से ही पता चल रहा है कि वो कुछ मटेरियल्स को ही अलाउ करेंगे एंट्री और कुछ को नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखो, कुछ होती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, क्या होती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, इसके अंदर क्या होता है, ये कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती। द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन एक्ट एज बोथ। अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की तरह वर्क करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल भी है और परमिएबल भी है, ठीक है। जैसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो वैसे का वैसे मटेरियल सेंड करती है, ठीक है। ये तो था अपना परमिएबिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने ये अपना परमिएबिलिटी कंप्लीट हो गया, इसके बाद